फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से ब्रैकेट ब्लाउज का कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट ब्लाउज में मेन चीज़ क्या होता है, इसका कटिंग सही तरीके से होने से आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होगा। तो इसीलिए आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, फुल वॉच कीजिए। तो अगर आप लोग को कटिंग सही तरीके से करना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लेना है। ब्लाउज का लंबाई देखिए 14.5 इंच तक ब्लाउज का तैयार होगा और एक्स्ट्रा 1 इंच के साथ 15.5 इंच तक लूँगी। तो चलिए अभी यहाँ से कुछ इस तरीके से सीधा करके लेना है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइन खींच कर लिया है। तो चलिए अभी शोल्डर के लिए मेजरमेंट लूँगी। इस ब्लाउज को मैं 38 साइज के हिसाब से काट करूँगी। तो यहाँ से शोल्डर रखूँगी 5.5 इंच तक इसका शोल्डर रखूँगी। तो चलिए अभी यहाँ से आर्म होल का मेजरमेंट लूँगी। आर्म होल यहाँ पर देखिए 6 इंच का आर्म होल ही रखूँगी और यहाँ से भी बराबर 5.5 इंच तक मिलाना है। मिलाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से मिला देना है। तो चलिए अभी चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट यहाँ पर देखिए 38 साइज से 38 को 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ से 9.5 इंच तक मिलता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पर 1 इंच तक रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकती हो। तो चलिए अभी कमर का मेजरमेंट यहाँ पर देखिए चेस्ट से हम 1 इंच कमर का मेजरमेंट लिया है। तो उसके बाद देखिए आर्म होल से देखिए यहाँ पर देखिए 1 इंच से यहाँ पर 2 सूट ज़्यादा मिला है। कुछ इस तरीके से शेप मिला दूंगी और इसको देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ से नीचे की तरफ से इस तरीके से हल्का सा मिला कर लेना है। तो चलिए अभी नेक लाइन लेना है। नेक लाइन देखिए यहाँ से 2 इंच तक रखूँगी। यहाँ से ज़्यादा नहीं लेना है, दूरी नहीं लगाने से। यहाँ से ज़्यादा लेने से आपका नेक का शोल्डर गिरने लगेगा और कुछ इस तरीके से 2 सूट नहीं तो 3 सूट का लगभग मैंने यहाँ पर डाउन कर लिया है। इस तरीके से लेने से क्या होता है, शोल्डर गिरने का कारण चांसेस कम होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक डीप रखूँगी। यहाँ से 11.5 इंच तक मैंने यहाँ से नेक डीप लिया है और यहाँ से नेक का चौड़ा 2.5 इंच तक रखूँगी। तो यहाँ से भी नेक का चौड़ा ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पर ज़्यादा लेने के कारण से आपका शोल्डर गिर सकता है तो इसलिए यहाँ से भी ज़्यादा नहीं लेना है। पहनने के बाद तो वैसे ही ब्लाउज का नेक का चौड़ा ऐसे ही छोड़ जाता है तो इसलिए कम ही लेना है। यहाँ से लिया है 5.5 इंच और यहाँ से उठाऊँगी 5.5 इंच। कुछ इस तरीके से बैक साइड का दांत में मैंने यहाँ पर निशाना दे दिया है और यहाँ से हाफ इंच तक कुछ इस तरीके से सिलाई होगा। तो यहाँ पर बैक साइड की तरफ से सिंपल सा डिजाइन होगा क्योंकि आप यहाँ पर कौन सा नेक डिजाइन रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसका नेक का डिजाइन रखूँगी। ये गुलाई भी नहीं है, थोड़ा सा बी शेप भी नहीं है, बी शेप से भी राउंड बी शेप बना कर रखूँगी। आपको कैसे पसंद है ये आप अपने हिसाब से रखना है। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड की तरफ से पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी इसको काट कर लूँगी। काट यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चौक से निशाना दिया है उसी निशाना का बराबर का हिसाब से मैं यहाँ पर काट लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरीके से ब्लाउज कटिंग करने से आपका ब्लाउज भी परफेक्ट फिटिंग्स होगा। तो चलिए अभी यहाँ से फ्रंट साइड काट करने के लिए अस्तर को कुछ इस तरीके से घुमा कर लेना है। लेने के बाद यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को यहाँ पर रखना है इस फैब्रिक के ऊपर में। देखिए जैसे कि इस अस्तर के ऊपर में तो पहले इसी के हिसाब से यहाँ पर निशाना दिया जाएगा। इसी तरीके से काट करने से क्या होता है, फ्रंट साइड काट करने में बहुत ही आसान होता है। अगर इसको अलग अलग मेजरमेंट लेकर काटिंग करने से थोड़ा दिक्कत होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से पिसा कर फ्रंट पार्ट काट करूँगी। तो चलिए फ्रंट पार्ट काट करने के लिए अभी क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच का लगभग कुछ इस तरीके से शेप मिलाना है नेक के साइड की तरफ से। इस तरीके से मिलाने से क्या होता है, नेक गिरने का चांसेस कम होता है। बैक पार्ट और फ्रंट साइड की तरफ से हमेशा इस तरीके से थोड़ा सा डाउन करके देना है। इस तरीके से देने से आपका ब्लाउज का शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। और एक बार यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड के शोल्डर की तरफ से भी इस तरीके से डाउन करना है। तो इसलिए अभी यहाँ से फ्रंट नेक लूँगी। तो यहाँ से फ्रंट नेक में 7 इंच तक रखूँगी और यहाँ पर 6 इंच में और एक निशाना लगाऊँगी। तो चलिए यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा कितना इंच तक लेना है फ्रंट साइड की तरफ से, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए अगर आपका चेस्ट ज़्यादा हैवी होने से यहाँ से एक्स्ट्रा 2 इंच तक लेना है। अगर नॉर्मल होने से यहाँ से देखिए ज़्यादा नहीं लेना है, यहाँ से 1.5 इंच तक ही रखना है। मैं यहाँ से 1.5 इंच तक ही रखूँगी।
यहाँ पर बिल्कुल 1.5 इंच तक बराबर है अस्तर, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच तक ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से शेप लगाऊंगी, इस शेप को देखिए आप कैसे लगाना है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। तो चलिए अभी बास पॉइंट के लिए मेजरमेंट लूंगी। बास पॉइंट यहाँ पर देखिए टोटल 11 इंच तक लिया है, वैसे भी 10.5 इंच तक था तो हाफ इंच सिलाई के लिए लिया है, तो टोटल 11 इंच का बास पॉइंट लिया है। तो चलिए यहाँ से कितना इंच तक लेना है, तो यहाँ से मैं 38 साइज के लिए यहाँ पर 8 इंच तक ही रखूँगी। अगर आप यहाँ पर देखिए आपका कटोरी का शेप ज़्यादा हैवी होने से उस टाइम पे क्या करना है, फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक लेना होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए नॉर्मल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है, 1.5 इंच तक लिया है और कटोरी को यहाँ से हाफ किया है 4 इंच पे। तो चलिए अभी यहाँ से कतरी के शेप उठाऊंगी। ये मैं देखिए 1 इंच का लगभग उठाऊंगी। अगर आपको ज़्यादा शेप चाहिए तो यहाँ से 1 इंच 1.5 इंच इस तरीके से शेप उठा सकती हो। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको मिलाऊंगी। तो यहाँ से देखिए कितना इंच तक लेना है और ये देखिए 2 इंच से 2 शूट ज़्यादा मिला है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से बराबर मिलाना है। देखिए इसको देखिए थोड़ा आइडिया लगाना होता है, आप इसमें आइडिया लगाएगा तो भी इसका मेजरमेंट सही आएगा। तो इसके लिए कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच तक इसका मेजरमेंट रखूँगी, हाफ इंच तक एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से त्रिशा टाइप से मिला लिया। तो चलिए यहाँ से कितना इंच तक लेना है, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने 4.5 इंच तक रखूँगी। अगर आपका कटोरी का शेप ज़्यादा हैवी होने से यहाँ से हाफ इंच बढ़ा कर लेना है और यहाँ से हाफ इंच तक डाउन करूँगी और यहाँ से 1.5 इंच तक, और देखिए कुछ इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद देखिए यहाँ से 4 इंच बराबर रखूँगी और इस साइड से देखिए 2.5 इंच तक लेना है, फिर इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से मिला देना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रंट साइड पे पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए इसको काट कर लूँगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चौक से निशाना दिया है उसी निशाना का बराबर का हिसाब से यहाँ पर काट लगा लूँगी। उसके बाद काट करूंगी युगपोटी। युगपोटी को बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट के हिसाब से ही काट करूंगी। तो इसलिए बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर है। तो चलिए अभी यहाँ से कितने इंच तक लेना है, मैं इसके लिए अलग से पोटी काट नहीं करूँगी तो इसलिए एक ही साथ में काट करूँगी। तो यहाँ से देखिए 6.5 इंच तक रखूँगी और यहाँ से 6.5 इंच ही मिलाऊँगी और इसको सीधा मिलाना है। तो मैंने सीधा कर लिया है, तो इसलिए भी यहाँ से 5.5 इंच तक रखूँगी मिडल से और इस साइड से देखिए 7 इंच तक रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक ही साथ में काट किया है पट्टी के साथ, तो इसलिए मैंने एक साथ काट कर लिया है। यहाँ से मैंने बैक पार्ट का कमर पट्टी और नेक पट्टी यहाँ से काट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज तक पे कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है, तो इसलिए अभी फैब्रिक में काट करूँगी। अभी फैब्रिक में काट करना इतना दिक्कत नहीं होगा, फैब्रिक को पहले कुछ इस तरीके से बराबर करके फोल्डिंग करके लूँगी। तो इसलिए अभी बैक पार्ट को इसका ऊपर में रखकर काट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सभी पार्टों को इसी तरीके से काट करके ले लेना है।
तो चलिए यहाँ से स्लीव काट करूँगी। तो स्लीव का लंबाई देखिए कितना इंच तक लेना है। मैं यहाँ से देखिए स्लीव का लंबाई 7 इंच तक रखूँगी और नीचे की तरफ से मोहरी में इसके लिए बॉर्डर होगा, तो बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैं 2 इंच तक रखकर काट करूँगी। इसको मैं अलग फैब्रिक से काट करूँगी। तो फिलहाल यहाँ से स्लीव का लंबाई 7 इंच तक रखकर काट करूँगी। और पॉप के लिए तो एक्स्ट्रा लेना होगा, तो यहाँ पर पॉप के लिए आपको कितना इंच तक लेना है ये भी आप अपने हिसाब से ले सकती हो। तो यहाँ से देखिए 2 इंच तक होगा एक्स्ट्रा, तो इसको मैं एक्स्ट्रा काट कर लूँगी। तो पॉप आप अपने हिसाब से लेना है। यहाँ से मैं पॉप के लिए 4.5 इंच तक रखूँगी। अगर आपको और भी ज़्यादा फुलावा चाहिए तो ले सकती हो। तो यहाँ से देखिए इस साइड से 6.5 इंच तक रखूँगी। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलाना है। तो स्लीव का बेल के लिए यहाँ से मोहर के साइड की तरफ से जो भी लगाना है यहाँ से लगाऊंगी। और इसको देखिए टोटल 4 इंच तक रखकर यहाँ से काट करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जिस तरीके से ब्लाउज का कटिंग बताया है आप लोग उसी तरीके से कटिंग करने से आपका ब्लाउज भी परफेक्ट फिटिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है और इसके सिलाई के वीडियो आप लोग बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।